हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माय फार्मा टिप्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम शुरू में ज़ेनफ्लॉक्स आई ईयर ड्रॉप्स के बारे में पूरी जानकारी लेने वाले। ज़ेनफ्लॉक्स आई ईयर ड्रॉप का मुख्यतः उपयोग आँख और कान से जुड़ी समस्या दूर करने में किया जाता है। आइए इस ड्रॉप के बारे में और अधिक विस्तार से जानते हैं। ये ड्रॉप कैसे काम करता है, क्या इस्तेमाल होता है, इस ड्रॉप के क्या बेनिफिट है, क्या साइड इफेक्ट है, इस ड्रॉप से जुड़े सभी सवालों के जवाब आपको शुरू में मिल जाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। मैनकाइंड फार्मा कंपनी का ये 10 ml का ड्रॉप आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर 40 रुपए में आसानी से मिल जाएगा। बात करते हैं इसमें मौजूद कंटेंट के बारे में। ज़ेनफ्लॉक्स आई ईयर ड्रॉप में ऑफ्लॉक्सोसिन IP 0.3% यह कंटेंट समाविष्ट है। इसमें मौजूद ऑफ्लॉक्सोसिन यह ड्रग एंटीबायोटिक के क्लास में आता है। यह बॉडी में मौजूद उन बैक्टीरिया को किल करता है जो इन्फेक्शन का कारण बनते है। बात करते हैं इस ड्रॉप की यूजेस की, डॉक्टर इसे किन किन समस्याओं में इस्तेमाल करते हैं। इस ड्रॉप का उपयोग आँखों में सूजन होने की समस्या, आँखों में इन्फेक्शन होने की समस्या दूर करने में, आँखों में जलन होने की समस्या दूर करने में, कान का इन्फेक्शन, बाहरी कान का इन्फेक्शन, कान में दर्द होने की समस्या दूर करने में, इसे आँखें लाल होने की समस्या दूर करने में, आँखों से पानी आने की समस्या दूर करने में डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं। बात करते हैं इस ड्रॉप के डोसेज के बारे में या फिर इसे यूज करने के तरीके के बारे में। आप अपनी समस्या बताकर इस ड्रॉप को इस्तेमाल करने का तरीका अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से पूछ ले। याद रखें दोस्तों, यह ड्रॉप आँख और कान से जुड़ा होने की वजह से इसे हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह से इस्तेमाल कीजिए। इसे अपने मन से घर पर इस्तेमाल न करें। वयस्क व्यक्ति यानी एडल्ट ये ड्रॉप दिन में 2 बार इन्फेक्शन वाली कान या आँख में 2-2 बूंद डाल सकते हैं। बात करते हैं इस ड्रॉप के साइड इफेक्ट के बारे में। अगर आपको इस ड्रॉप में मौजूद कंटेंट से एलर्जी है तो आपको बताए गए कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। यदि आपको बताए गए कुछ साइड इफेक्ट महसूस हो तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। इस ड्रॉप के इस्तेमाल से आपको आँखों में जलन, आँखें आना, सिर दर्द, चक्कर आना, ये कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। प्रिकॉशन, इस ड्रॉप को यूज करते समय सावधानियाँ। अगर आपको इस ड्रॉप में मौजूद कंटेंट से एलर्जी है या फिर आपको इस ड्रॉप के इस्तेमाल से कोई साइड इफेक्ट होता है तो आप इस ड्रॉप का यूज न करें। अगर आप पहले से ही कोई अन्य ड्रॉप या मेडिसिन ले रहे हो तो उसकी सूचना अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट को अवश्य दें। इस वजह से इस ड्रॉप का ड्रग इंट्रैक्शन या ओवरडोज होने की संभावना कम होती है। इस ड्रॉप की पैकिंग खोलने के 30 दिनों के बाद इस ड्रॉप को यूज न करें। अगर आपका आँख या कान से जुड़ा कोई ऑपरेशन या सर्जरी हुई हो तो उसकी सूचना अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट को अवश्य दें। इस ड्रॉप के इस्तेमाल के पहले या इस्तेमाल के बाद अल्कोहल का प्रयोग न करें, इससे आपकी स्थिति बिगड़ सकती है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें और माय फार्मा टिप्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको हमेशा मेडिसिन रोज मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।